अच्छा, तो जनाब को अब एडवांस भी चाहिए? ये जो तुम सैलरी ले रहे ना, तुम इसके भी काबिल नहीं हो। तुम्हें इतना टाइम हुआ काम करते करते, लेकिन रिजल्ट जीरो है, जीरो। मैं बहुत सोच समझ के ये फैसला किया हूँ कि अगले महीने से तुम्हारी सैलरी आधी होगी, आधी। लेकिन सर, आप जो 3-4 महीने में जो सैलरी देते हो ना, उसमें मैनेज करने में मुझे बड़ी परेशानी होती है, और आप आधी तनख्वाह दी तो मैं तो मर जाऊंगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम मुझे बिजनेस दो, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। सर, ये आपकी जो कचरा साफ करने की मशीन है ना, इसे कोई कस्टमर खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये हर 2 से 3 दिन में बंद पड़ जाती है, और लोग मुझे गालियां सुना सुना के अब मेरे दिमाग में भी कचरा भर गया है। सर, तुमने मेरे सामने मेरी मशीन को कचरा साफ करने की मशीन कहा? वैक्यूम क्लीनर नहीं कह सकते थे? मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर, आप ठीक नहीं कर रहे हो, आपको मेरा पाप लगेगा और मेरे छोटे छोटे बच्चों की बदबू लगेगी आपको, वो भी 4 बच्चे हैं मेरे को। क्या तुम्हें बच्चे भी हैं? सर, बच्चे तो बच्चे, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है और बिना शादी की बैठी हुई मेरी 5 बहने, और इन सब की बदबू लगेगी। सर, तुम्हें बदबू लगेगी। ऐसा मत कहो आमिर। सर, जरा सोचो, इन सब की बदबू तुम्हें 1 साल लगेगी, तो तुम्हारा आलम क्या होगा? सर, खैर, अब तुमने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हें अपनी ये दास्तान क्यों सुना रहा हूँ? सर, सर, अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप मुझे माफ कर देना। सर, माफ कर देना। सर, मैं जा रहा हूँ। सर, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। सर, क्या भाई, सच्ची मुची जाओ? माफ कर देना आमिर। सच बोल रहे ना सर आप? मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। इतने दुख दर्द होने के बावजूद तुम मुस्कुराते हुए मेरे पास काम करते रहे। आई प्राउड ऑफ यू। इसी को खुददारी कहते हैं सर। मैं अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर इसी की रहम की भीख नहीं चाहता हूँ। वो तो वक्त का तकाजा था सर, जो मैं आपको बोलने पे मजबूर हो गया। सर, ये मेरा वादा है आपसे, ये कचरा साफ करने की मशीन, मेरे बोलने का मतलब ये वैक्यूम क्लीनर की मशीन का सेल, इसका बिजनेस मैं बढ़ाऊंगा। मैं बढ़ाऊंगा सर, अपनी इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक ले जाऊंगा। सर, ये मेरा वादा है। मैं चाहता हूँ सर, मेरा कस्टमर मेरा वेट कर रहा है। मैं जा रहा हूँ सर। सर, वही और एक बात, आई लव यू सर, आई लव यू। बेचारा बहुत भोला है। यस, उल्लू बना डाला। मैं भी पिक्चर देख देख के एक्टिंग सीख लिया।